हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज के वीडियो में आपके लिए ले जाऊँ कि हम प्ले साउंड बैंड टैक स्क्रीन शॉट को कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस, हमें इससे होता क्या है, जैसे मैं आपको बता दूँ, इससे होता क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन शॉट लेते हैं तो जो आपका साउंड आता है उसको हम बंद करना बताएंगे। तो चलेगा, जब आपको बताने जा रहे हैं स्टार्ट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मॉल सेटिंग आइकन में जाना, तो मॉल सेटिंग आइकन में चलते हैं और यहाँ में रेडमी का फ़ोन दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँगी, आपको मॉल सेटिंग का आइकन दिया हुआ, जिसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन। ओपन करने के बाद आपको गाइस क्या करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जाना है आपको यहाँ पे साउंड ऑफ वाइब्रेट पे। तो आपको यहाँ पे साउंड ऑफ वाइब्रेट दिया हुआ, जिसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको गाइस नीचे जाना है। नीचे आना आपको वक्त क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको एडिशन सेटिंग। एडिशन सेटिंग में हम ओपन कर लेते हैं। फिर आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्ले साउंड वैंड टैक स्क्रीन शॉट, जिसको हम क्या कर लेंगे गाइस ऑफ। तो यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं, तो आपका जो प्ले साउंड वैंड टैक स्क्रीन शॉट साउंड है वो आपका ऑफ हो चुका है। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है, और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।